बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की किताब लॉन्चिंग के पहले ही विवादों में घिर गई है। दरअसल रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी किताब में कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे। वो कौन कौन से आरोप हैं जो रीता बहुगुणा जोशी की ओर से अपनी किताब में इंदिरा गांधी पर लगाए गए हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। वीपी सिंह को लेकर कहा गया कि कांग्रेस की सदस्यता मेरी मां ने दिलाई थी। वीपी सिंह कुंठित मानसिकता के थे, ये बड़ी बातें इस किताब में कही गई हैं। इसी के साथ में कहा गया कि पिता के खिलाफ साजिश होती रही, इंदिरा गांधी के कान वीपी सिंह भरा करते थे और दलितों के मेरे पिता की बराबर कोई नहीं कर सकता था, इस बात में जिक्र किया गया। वहीं 1980 में मेरे पिता ने 30 लोगों के लिए टिकट मांगा, इंदिरा जी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, इसीलिए हम इसे इंदिरा बम कह रहे हैं। उस समय कांग्रेस पर संजय गांधी को लेकर कहा गया कि लोग संजय गांधी से सामने लाइन लगाया करते थे। संजय गांधी को लेकर भी बड़ी बातें कही गई, मेरे पिता स्वाभिमानी थे और आगे इसमें लिखा गया कि उन्होंने संजय गांधी के आगे लाइन नहीं लगाई, जिस तरीके की लाइन संजय गांधी के आगे लगा करती थी वो उस लाइन में नहीं खड़े हुए, और ये तमाम बातें अपने पिता के लिए कही गई। रीता बहुगुणा के आरोप क्या है वो अब आप देखिए। पिता के खिलाफ साजिश होती रही, ये बड़ा आरोप अपनी किताब में उन्होंने लगाया। इंदिरा गांधी के कान वीपी सिंह भरा करते थे और इसी के साथ में आगे उन्होंने लिखा है कि वीपी सिंह ने में देश चलाने का विजन नहीं था। वीपी सिंह कुंठित मानसिकता के थे, ये बड़ी बातें अपनी किताब में रीता बहुगुणा जोशी ने लिखी हैं। आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया है।